राज्य के उदयपुर जिले में एक युवक की हुई निर्मम हत्या के बाद देश भर में इसका कड़ा विरोध हो रहा है। कई जगहों पर लोग रैली निकाल रहे हैं, तो कहीं मौन जुलूस तो कहीं बंद। इसी तरह बाड़मेर में भी गुरुवार को विभिन्न हिंदुवादी संगठनों से पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया। उदयपुर में हुई वारदात के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। उदयपुर की घटना को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश का माहौल है। गुरुवार को पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में उदयपुर की घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बाड़मेर शहर के गांधी चौक से शुरू हुई हिंदू संगठनों की आक्रोश रैली नगर परिषद कोतवाली थाने के आगे से होते हुए स्टेशन रोड रेलवे स्टेशन से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने घटना का विरोध करते हुए गहलोत सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट के आगे हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और उसके बाद कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गहलोत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की गई। लाल नामक युवक की बर्बरता पूर्वक जो आतंकियों ने एक हत्या की, यानी राजस्थान जैसे शांत राज्य में इस प्रकार की सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसी हत्या करके एक तरह से साबित कर दिया है कि आतंकी केवल पाकिस्तान अफगानिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी पल रहे हैं। इसलिए राजस्थान सरकार उन आतंकियों को तथा कथित तुष्टिकरण वाले इस विशेष संप्रदाय को संरक्षण दे करके और सह दे करके पुलिस न्यूट्रल हो जाती है ऐसे मामलों में। इस प्रकार की जघन्य हत्या है, झकझोर देने वाली है और संपूर्ण राजस्थान नहीं बल्कि हिंदुस्तान को ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि अब हमारे को किस प्रकार से जागना चाहिए। आज क्या था, आज किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया और आगे क्या प्लान है? यह बहुत छोटा विरोध है, यह एक प्रारंभ है। कल बाड़मेर को बंद किया जाएगा, उसके बाद में बहुत बड़ा एक जिले का व्यापक आक्रोश रैली होगी। संपूर्ण हिंदू समाज जाग चुका है इस बर्बर घटना को लेकर के। चूंकि राजस्थान को शांत आबोहवा का राज्य माना जाता था, इस बर्बर घटना के बाद में जो आक्रोश है, आक्रोश की पराकाष्ठा होगी, उसका परिणाम आने वाले भविष्य में देखा जाएगा। क्या मांग क्या है? मांग हमारी यह है कि जो ये हत्यारे हैं इनको तुरंत फांसी दी जाए। केवल ये दो हत्यारे नहीं बल्कि इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ा ग्रुप है। उन सभी ग्रुप सभी को पर्दाफाश करके और जिनका संरक्षण है, राजनीतिक संरक्षण है या पुलिस की शिथिलता और लचीलापन है, सभी लोगों को जितने भी लिप्त हैं उन सबको षड्यंत्र पूर्वक इस प्रकार से लिप्त है उन सबको गिरफ्तार करके और कठोर से कठोर दंड दिया जाए। आज किसको ज्ञापन दिया गया? आज कलेक्टर महोदय ने हमने ज्ञापन दिया है। केवल एक आक्रोश का प्रारंभ है और कल बाड़मेर बंद किया जाएगा। जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए, षड्यंत्र में जितने भी शामिल हैं उनको उजागर करके उनको भी फांसी दी जाए और इस सरकार को तुरंत, हम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया है कि तुरंत हटा करके राष्ट्रपति शासन लागू किया। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि इस घटना के पीछे बहुत बड़े आतंकी गिरोह का हाथ है, जिसका पर्दाफाश होगा। उन्होंने उदयपुर में हुई वारदात में कन्हैयालाल की हत्या में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। इस दौरान हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सांकेतिक रूप से बाड़मेर बंद का आह्वान भी किया।